वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य IAS एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रॉय और अभी हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है प्लांट ग्रोथ के बारे में, यानी कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं और ऐसे कौन से चीज़ें हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि उस ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, यानी कि उस ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो हम हार्मोन्स के बारे में देखेंगे और प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो प्लांट ग्रोथ में जो ग्रोथ वर्ड है इसको नॉर्मली बोला जाता है कि एक ऐसा प्रोसेस, ये वाइटल प्रोसेस, मतलब कि जो जीवित प्राणी में हो रहा है इसमें परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज इसको बोला जाता है, क्योंकि ग्रोथ जो जीवित प्राणी में होता है वो एक परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब वो वापस नहीं हो सकता। वो एनी प्लांट और इसके पार्ट में होता है तो वो कैसे दिखता है, इन टर्म्स ऑफ किस संदर्भ में वो दिखता है हमको चेंज, तो हमको साइज़ में बदलाव दिखेगा, उसका आकार में दिखेगा, उसका वजन में दिखेगा, उसका वॉल्यूम, उसका जो उस वॉल्यूम है उसमें दिखेगा। तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन कैसा है, इरिवर्सिबल है, मतलब ये वापस नहीं, उल्टा नहीं हो सकता और परमानेंट चेंज है। तो ग्रोथ जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे के या पौधे के किसी हिस्से में एक परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज होता है, एक परमानेंट चेंज होता है और वो चेंज हमको दिखता है किस फॉर्म में, उसके साइज़ में परिवर्तन दिखता है, उसका आकार में दिखता है, उसके वजन में दिखता है और उसके वॉल्यूम में, ये सब में हमको चेंज दिखता है। तो ये हम ग्रोथ है। तो ग्रोथ जो है वो सिर्फ जीवित कोशिकाओं में ही होता है, जीवित प्राणियों में ही ग्रोथ देखने को मिलता है, दूसरों में ग्रोथ जो निर्जीव है उनमें ग्रोथ नहीं मिलता है देखने को। तो टिपिकल ग्रोथ रीजन पौधे में, जो टिपिकल रीजन जहाँ, मतलब पौधे का वो हिस्से है जहाँ पर कि नॉर्मली हमको ग्रोथ देखने को, वृद्धि देखने को मिलती है, तो वो कौन सा है, एपिक्स ऑफ शूट एंड रूट, मतलब जो जड़ का अगला हिस्सा अग्रभाग है और तने का अग्रभाग, यहीं पर हमको साधारणतः वृद्धि देखने को मिलती है। तो ऐसा ग्रोइंग रीजन जो है इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम या प्राइमरी मेरिस्टम और रीजन ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। तो इसको प्राइमरी ग्रोथ का क्षेत्र बोला जाता है या प्राइमरी मेरिस्टम्स बोला जाता है या एपिकल मेरिस्टम्स बोला जाता है, जहाँ पर इस वृद्धि हो रही है तो पौधे में। तो सेवरल ग्रोथ पैरामीटर्स आर कॉमनली यूज एग्रीकल्चर रिसर्च में, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें जब पौधे की वृद्धि को हम नापते हैं या पौधे की वृद्धि को समझते हैं तो कई सारे अलग अलग मापदंड बनाए गए हैं, जिनमें से किसी का कभी किसी एक का या दो का या कईयों का इस्तेमाल किया जाता है साधारणतः जब हम अध्ययन किसी भी पौधे में वृद्धि का अध्ययन करते हैं। तो वो कौन से मापदंड है उसको हम देखेंगे। तो एक मापदंड है जो है लीफ एरिया, यानी कि पत्ती की एरिया, पत्ती का जो क्षेत्रफल है उसको। तो ये क्या मापता है, पत्ती मतलब जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो कि फोटोसिंथेटिक सरफेस कितना है एक पेड़ में, एक पौधे में कितना क्षेत्रफल है जहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण हो रही है। तो एक पौधे में ऐसा कितना एरिया बन रहा है, कितने जितने भी पत्तियाँ बन रही है उन सब से कितना एरिया बन रहा है, कितना क्षेत्रफल बन रहा है जहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण हो रही है। तो एक प्लांट में कितना एरिया है, तो एरिया को हम सेंटीमीटर में दिखाते हैं, तो इसको जो मापा जाता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लांट में मापा जाता है, एरिया का स्क्वायर होता है। और एक पौधे में कितना एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको लीफ एरिया बोला जाता है उसका। दूसरा होता है लीफ एरिया इंडेक्स, तो ये एक अनुपात है, ये एक रेशियो है। ये किसका अनुपात है, तो लीफ एरिया का, यानी कि जितनी पत्तियां हैं उनका एरिया कितना बन रहा है ऑफ द क्रॉप टू द ग्राउंड एरिया कवर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लीफ एरिया बटे में ग्राउंड एरिया, मतलब जितने क्षेत्रफल में वो फसल लगा हुआ है, मान लीजिए 10,000 स्क्वायर मीटर में एक फसल लगी हुई है, उस फसल में जो जितने भी पत्तियां हैं उनका टोटल एरिया कितना हो रहा है और कि जितने एरिया में वो लगा हुआ है, मान लीजिए एक एकड़ में लगा हुआ है तो नीचे एक ले लेंगे एक एकड़ और ऊपर में कितना पत्तियों का एरिया हो रहा है, इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम लीफ एरिया इंडेक्स बोल रहे हैं। तो इससे एक निकलता है, अगर मैं एक एकड़ में या एक हेक्टेयर में निकालूँ तो पर एकड़ उस तरह की फसल जैसे गेहूँ लगाए हैं या धान लगाए हैं या मटर लगाए हैं, तो एक
पर्टिकुलर क्रॉप जो है, एक पर्टिकुलर फसल जो है, एक एकड़ में उसका कितना फोटोसिंथेटिक एरिया हो रहा है, कितना क्षेत्रफल उसके पौधों पत्तियों का हो रहा है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो हमको इससे पता चलता है। तो लीफ एरिया इंडेक्स से हमको ये पता चलता है कि एक एकड़ में या एक हेक्टेयर में या एक वर्ग मीटर में या एक जितना जो भी एरिया है उसमें कितना फोटोसिंथेटिक एरिया यानी कि पत्तियों का कितना एरिया उस फसल के लिए बनता है, तो वो हमको आइडिया देता है। तो नेचुरली जिसमें पत्तियों का ज़्यादा एरिया होगा तो वहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो जिसका अगर मैं दो फसल का लीफ एरिया इंडेक्स को कंपेयर करूँ तो एक जिसका लीफ एरिया इंडेक्स ज़्यादा है मतलब वहाँ पर पत्तियों के एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा पत्ती एरिया उसमें है तो नेचुरली उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये एक आइडिया देता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस किस में ज़्यादा हो रहा है और किस में कम हो रहा है। जो तीसरा है वो है लीफ एरिया रेशियो। तो ये एक रेशियो है, किसका रेशियो है, एरिया ऑफ लीफ लेमिनेट टू द टोटल प्लांट बायोमास, मतलब पूरे प्लांट का जो वजन है उसका जो मास है उसमें पौधे का एरिया, पत्तियों का एरिया कितना है उसका जो रेशियो है, उसका जो अनुपात है उसको लीफ एरिया रेशियो बोलते हैं। तो एक पौधे में मतलब उसका वजन मान लीजिए 25 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम जो भी आ रहा है, और उसमें कितना जगह जो है वो पत्तियों का है, मतलब पूरे पौधे के वजन में कितना एरिया जो है, कितना हिस्सा पत्तियाँ कवर कर रही हैं, तो उससे एक आइडिया देता है कि उसका फोटोसिंथेसिस उसमें कितना होगा। इसमें भी सेम तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, दो पत्तियों दो पौधे ऐसे हैं जिनका वजन अगर बराबर है तो मतलब नीचे जो हम दो पौधे हैं जिसमें नीचे मान लीजिए इसका भी 50 ग्राम है और इसका भी 50 ग्राम है, एक में लीफ एरिया मान लीजिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो नेचुरली जिसमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू नेचुरली बड़ा आएगा, ज़्यादा आएगा। तो मतलब ये इंडिकेट करेगा कि जहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है उसमें लीफ एरिया रेशियो जो ज़्यादा है मतलब उसमें पत्तियाँ ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा हो रहा होगा, यानी उसमें बायोमास प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा। तो इस तरीके से एक ये एक रेशियो है जिससे हम नॉर्मली लीफ का एरिया को कंपेयर करते हैं कि उसका पौधे के वजन से। इस तरह से लीफ वेट रेशियो है, इसमें बायोमास लिया गया है उसका वजन लिया है, इसमें ड्राई वेट लिया गया है, ड्राई वेट ऑफ लीव टू द होल प्लांट, मतलब पूरे प्लांट को जब उखाड़ते हैं और उसको सुखा देते हैं, उसमें ओवन में गर्म करके पानी निकाल देते हैं, सुखा देते हैं, तो उसका वजन और फिर इसी तरह से सिर्फ पत्तियों का वजन, तो दोनों को जब हम तुलना करते हैं तो उसको हम लीफ ड्राई वेट रेशियो बोलते हैं। तो पत्तियों का वजन बटे में ड्राई वेट ऑफ लीफ बटे में होल प्लांट का ड्राई वेट, तो नेचुरली जिसमें पत्तियां ज़्यादा होगी तो उसका ये रेशियो जो है वो ज़्यादा आएगा, लीफ वेट रेशियो। इस तरह से लीफ एरिया ड्यूरेशन, लीफ एरिया ड्यूरेशन में क्या कर रहा है, L1 प्लस L2 बटा 2 इनमें T2 माइनस T1, ये क्या बोल रहा है कि T1 समय में और T2 समय में, दो अलग अलग समय में उनका लीफ का एरिया मेजरमेंट किया गया। T1 समय मान लीजिए जब पौधा जस्ट निकला है, अभी थोड़ा ग्रो कर रहा है, उस समय उसके पत्तियों का जो क्षेत्रफल है वो निकाला गया, और T2 हो सकता है एक ऐसा समय है जब उसमें फ्लावरिंग हो रही है, जब उसमें अब वेजिटेटिव ग्रोथ ख़त्म हो गया है, अब उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गया है, तो दो अलग अलग समय में उसके लीफ का एरिया निकाला जाता है और दोनों का औसत निकाला जाता है। तो दोनों का लीफ L1 और L2 दोनों समय में अलग अलग समय में जो पत्तियों का क्षेत्रफल था उसको जोड़ के दो से भाग दे रहे हैं तो औसत निकल गया, यानी कि औसत उसका लीफ का एरिया क्या है। और T2 माइनस T1 ये मान लीजिए 45 दिन में या 50 दिन में इसको लिए हैं और शुरू का जो है 20 दिन में लिए थे, तो 20 माइनस 50 माइनस 20 यानी कि 30 दिन, तो 30 दिन में कितना लीफ एरिया हो रहा है तो उसको 30 से फिर भाग दे देंगे तो अल्टीमेटली पर डे कितना है वो निकलेगा। तो ऊपर मान लीजिए इस समय लीफ एरिया था 25, फिर बाद में जब शुरू में हो रहा था मान लीजिए जब L2 फ्लावरिंग स्टेज में जब देखा गया उसमें मान लीजिए लीफ एरिया था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस समय जब शुरू का था उससे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ 50 माइनस 20 यानी कि 30, तो ये बटे में 2 तो 40 बटे में 2 यानी कि 20 बटे में 30, तो ये जो निकलेगा यानी कि
30 से जब इसको भाग देंगे, 30 दिन में 20 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है, तो एक दिन में कितना बनेगा। तो ये एक तरह से एक अंदाज देता है आपको, एक हिसाब देता है, एक एस्टीमेट देता है कि पर डे कितना लीफ एरिया उसमें बन रहा है, या कितनी नई पत्तियाँ बन रही है, कितना नया एरिया और तैयार हो रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो लीफ एरिया पर डे में इतना हो रहा है, तो एक दो दिन में कितना होगा, तीन दिन में हम हिसाब लगा सकते हैं। तो कितने दिन में लीफ एरिया कितना बढ़ेगा, तो जैसे जैसे लीफ एरिया बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। तो जिसमें ये रेट ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें नई पत्तियाँ जल्दी आ रही हैं। हर दिन में कितना एरिया बन रहा है, तो जिस फसल में वो ज़्यादा रहेगा, मतलब उसमें नई पत्तियाँ जल्दी आ रही हैं, और जिसमें ये धीरे धीरे होगा, उसके मतलब वो है कि उसमें पत्तियाँ इतनी जल्दी नहीं आ रही हैं, उसमें धीरे धीरे आ रही है। तो जिसमें नेचुरली जल्दी आ रही है, उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो ये सब एक्चुअली एक मेज़रमेंट का तरीका है, जो ये आइडिया देता है कि उसमें पत्तियाँ कितना बन रही है, कितने समय में बन रही है, कितना क्षेत्रफल वो घेरती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, जिसमें क्षेत्रफल ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा तो उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो ये एक तरह से ग्रोथ को मेज़रमेंट करने का एक तरीका है, अलग अलग तरीका है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं, जैसे स्पेसिफिक लीफ एरिया, तो ये भी एक अनुपात है पत्तियों का जो क्षेत्रफल है उनका, टू द प्लांट ऑफ लीव ड्राई वेट, मतलब पौधों पत्तियों का क्षेत्रफल और पौधे का ड्राई वेट, इन दोनों का एक रेशियो है, एक अनुपात है। तो कितना वजन में कितना लीफ एरिया मिल रहा है, कितना क्षेत्रफल पत्तियां, कितने क्षेत्रफल की पत्तियां बन रही है, उसका एक ये आइडिया देता है। इस तरह से स्पेसिफिक लीफ वेट, इट इज़ ए मेज़र ऑफ लीफ वेट पर यूनिट लीफ एरिया, मतलब टोटल पौधों का जो एरिया है, पत्तियों का एरिया है, उसको निकालते हैं और पत्तियों का वजन देखते हैं। तो वजन का जो है एरिया के साथ एक कंपेयर करते हैं कि कितना वजन में कितना एरिया मिल रहा है हमको। तो ये सारे जो हैं आपको मेनली लीफ से संबंधित हैं, पत्तियों से संबंधित हैं, उनका एरिया को मेज़र करता है कि जो पत्तियाँ बन रही हैं वो कितना क्षेत्रफल घेर रही हैं। तो ज़्यादा घेरेंगी तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगी, इसी को मेज़र किया जाता है। एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ये बोलता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बायोमास बिटवीन टू इंटरवल्स, मतलब जो पौधा तैयार हुआ है उसका जो वजन है, उसमें जो बायोमास है, जो उसका वजन को जब देखते हैं, तो वो दो दिन अलग अलग समय में उसमें कितना कितना वजन हुआ है, जैसे 10वें दिन में देख रहे हैं और 40वें दिन में देख रहे हैं, तो दोनों के वजन में जो अंतर है उसको ले रहे हैं और दिन का अंतर ले रहे हैं। तो उस वो बायोमास जो है नॉर्मली हम कैसे देखते हैं, तो यूज़ फॉर ए सिंगल प्लांट और सिंगल प्लांट ऑर्गन। तो इसको ये जो इसके लिए जो कैलकुलेशन यूज़ किया जाता है वो नॉर्मली एक पौधे के लिए किया जाता है, या पौधे के किसी एक हिस्से के लिए। अगर पत्ती का कर रहे हैं तो पत्ती का करेंगे, अगर तने का कर रहे हैं तो तने का करेंगे, और पूरे पौधे का कर रहे हैं तो पूरे पौधे करेंगे। तो H2H1 देख रहे हैं, जो एक समय में T1 में समय में कितना था, और उसके माने 10वें दिन में मान लीजिए कितना था, और फिर मान लीजिए 50वें दिन में देख रहे हैं उस समय कितना है। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों को घटाते हैं और इसको घटाते हैं और भाग देते हैं। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ, मतलब पर डे में कितना उसमें वृद्धि हो रही है। मान लीजिए इसका वजन है 60 ग्राम और इसका वजन है 15 ग्राम, और ये था T1 था 10वें दिन में, और ये है 50वें दिन में, मतलब 40 दिन में इसका वजन 15 से 60 हो गया। तो प्रतिदिन कितना हो रहा है, 60 से 15 माइनस करेंगे, 60 माइनस 15, तो ये हो गया 45, और ये 50 से 10 गया, ये हो गया 40। तो इसके इसको जब भाग देंगे तो ये 1 समथिंग आएगा। तो ये 1 समथिंग आ गया, मतलब हर दिन में इतने सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। तो ये एक तरह से आइडिया देगा कि पौधे में जो वृद्धि की दर है वो कितनी है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोला गया है। तो इस तरीके से इसमें वृद्धि की दर को इस फॉर्मूला से निकालता है। तो ये वृद्धि जो है वजन में है तो इतना ग्राम प्रतिदिन बढ़ रहा है बताएगा, अगर लंबाई में है तो लंबाई में इतना सेंटीमीटर प्रतिदिन बढ़ेगा वो बताएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिया है, मतलब ये लंबाई को देख रहा होगा या साइज को देख रहा होगा। एक फॉर्म मेथड है नेट एसिमिलेशन रेट, ये जो है नॉर्मली इस्तेमाल इसका किया जाता है पौधे का जब अध्ययन किया जाता है। तो ये बोलता है कि ड्राई मैटर इंक्रीमेंट पर यूनिट ऑफ लीफ एरिया और पर यूनिट लीफ ड्राई वेट, मतलब
जो ड्राई मैटर मतलब उसमें मैटर कितना बन रहा है उस पौधे में, कितना उसका वजन या जो भी हो बढ़ रहा है पर यूनिट ऑफ लीफ एरिया, मतलब लीफ हर एक अगर पत्ती का जो एरिया है वो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ता है तो वजन कितना बढ़ेगा, ये जो है इससे ये पता चलेगा। मतलब हम क्षेत्रफल अगर 10 स्क्वायर मीटर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको हम 11 करेंगे तो उससे वजन कितना बढ़ेगा, अगर हम 12 करेंगे, 11 से 12 करेंगे तो कितना बढ़ेगा। तो एक तरह से पर यूनिट एरिया में मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ने से उसके वजन में कितना इंक्रीज होगा, कितना वजन बढ़ेगा उसका आइडिया देता है, इसलिए इसको नेट एसिमिलेशन रेट बोला गया है। तो इसका जो फॉर्मूला है ये W2 - W1 और इस तरह से T1 T2 है। मतलब मान लीजिए 10वें दिन कर रहे हैं और 50वें दिन कर रहे हैं, तो 10वें दिन में कितना वजन था, 50वें दिन में कितना वजन था, और 50वें दिन में कितना वजन था, तो ये माइनस ये बटा ये माइनस ये करके करते हैं। और इसी तरह से इसको लीफ के वेट से अगर देखते हैं तो लीफ का L2 और L1 लीफ का वजन है, यानी कि 10वें दिन कितना वजन था और फिर 50वें दिन कितना वजन था, तो इसका लॉग लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक्चुअली आपको ये बताता है कि पर यूनिट लीफ एरिया बढ़ने से, यानी कि लीफ का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ने से उसका वजन कितना बढ़ता है, या पर यूनिट लीफ ड्राई वेट, ए पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि लीफ का अगर ड्राई वेट 1 ग्राम से बढ़ता है तो उससे टोटल वजन में कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये लीफ का एरिया घटने बढ़ने से या लीफ का वजन घटने बढ़ने से जो पौधे के वजन पे क्या असर पड़ता है वो इससे पता चलता है। इस तरह से एक मिलता जुलता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, जैसे कि रिलेटिव है मतलब किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, तो ये टोटल प्लांट के वजन को इंक्रीज इन टाइम इंटरवल इन रिलेशन टू इनिशियल वेट, या मतलब कि मान लीजिए 1 समय में कितना था फिर दूसरे समय में कितना हो गया, इन दोनों का कंपेयर ये करता है। तो W1 W2 पूरे प्लांट का वजन है और T1 T2 टाइम है। सेम तरीके से देखें 10वें दिन इतना वजन था, 30वें दिन इतना वजन था, तो 20 दिन में कितना वजन बढ़ा, ये भी उसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला है लॉग लगा के निकाला गया है। तो ये भी एक ग्रोथ रेट को बताता है कि प्रतिदिन कितनी उसके वजन में कितनी वृद्धि हो रही है। तो इसमें ये बताएगा कि हर दिन पौधे के वजन में कितना बढ़ रहा है, मतलब हर एक दिन में पौधा कितना वृद्धि कर रहा है, तो ये इससे पता चलता है। इस तरह से एक है क्रॉप ग्रोथ रेट। तो ये सब ग्रोथ रेट आपको वही है, ये वजन से ही देखते हैं। इसमें फार्मूला सिर्फ देखिएगा, फार्मूला में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। अल्टीमेटली ये जो नेट एसिमिलेशन रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट, क्रॉप ग्रोथ रेट, ये सारा चीज़ यही बताया है कि हर दिन में पौधे में कितना उसके वजन में वृद्धि हो रही है। इसका फार्मूला अलग अलग है, यहाँ पर एक नया कोफिशेंट आ गया है, रो आ गया है। तो ये रो जो है ये ग्राउंड एरिया बताता है जिसमें W1 W2 रिकॉर्ड किया गया है। मतलब ये ना सिर्फ दिन को ले रहा है कि प्रतिदिन कितना बढ़ रहा है, पर एरिया को भी इसमें ले रहा है फॉर्मूला में कि कितने एरिया में हो रहा है। मतलब मान लीजिए मैं 1 हेक्टेयर में फसल लगाया हूँ, तो 1 हेक्टेयर के फसल में प्रतिदिन में कितनी वृद्धि हो रही है उसके वजन में, तो उसको ये क्रॉप ग्रोथ रेट बता रहा है। तो ये एरिया को भी देख रहा है। तो अगर मान लीजिए ये 2 फसल का क्रॉप ग्रोथ रेट को देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का ग्रोथ रेट जो है बराबर आ रहा है, मतलब हर एक प्रतिदिन उसमें जो वजन हो रहा है वो बराबर बढ़ रहा है। लेकिन अगर एरिया कम ज़्यादा है, 1 आधे एकड़ में ही उतना हो रहा है, 1.25 एकड़ में हो रहा है, तो नॉर्मली जो आधे एकड़ में हो रहा है मतलब कम क्षेत्रफल में ही उतनी वृद्धि वो दे रहा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को भी इसलिए साथ में लिया है कि वृद्धि तो उतनी हो रही है लेकिन कितने एरिया में हो रहा है, कितना क्षेत्रफल में उतनी वृद्धि दिखा रहा है। कम क्षेत्रफल में अगर ज़्यादा वृद्धि दिखा रहा है, उतनी ही वृद्धि दिखा रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि जो ज़्यादा क्षेत्रफल में उतनी वृद्धि दिखा रहा है मतलब वो पौधा जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरीके के अलग अलग मेथड्स हैं। इसी तरह से टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन है, हार्वेस्ट इंडेक्स, ये हार्वेस्ट इंडेक्स को बहुत यूज़ किया जाता है कि ये 1% रेशियो है बिटवीन कॉमन इकोनॉमिक यील्ड एंड टोटल बायोलॉजिकल यील्ड। इकोनॉमिक यील्ड मतलब जो है जो हिस्सा हमारे काम का है, जैसे अगर गेहूं का हम देखें तो गेहूं के बीज कितना बन रहा है, गेहूं का बीज का उत्पादन कितना हो रहा है, गेहूं का अगर मटर देखें तो मटर के फली का उत्पादन कितना हो रहा है, मक्का देखें तो मक्के के जो भुट्टे निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं, उनका वजन और पूरे पौधे का वजन, तो उनका वजन बटा पूरे पौधे का वजन गुने 100। मतलब ये एक आइडिया देगा कि
कि जो पूरा पौधे का जो वजन है उसमें से कितना वजन जो है उस हिस्से का है जो कि हमारे काम का है। तो नेचुरली अगर हार्वेस्ट इंडेक्स बढ़ेगा तो वो पौधा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम उसमें कौन से हिस्से का वजन को तुलना कर रहे हैं, जो हिस्सा हमारे काम का है। तो पूरे पौधे में अगर हार्वेस्ट इंडेक्स मान लीजिए 0.5 आ रहा है, आधा आ रहा है, मतलब पूरे पौधे का जो वजन है उसमें आधा हिस्सा जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का है, मतलब फली का है या दाने का है, जो भी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स एक आइडिया देता है कि जो आपका पूरा पौधा है उसमें से कितना पौधा जो है हमारे काम का है, हमारे यूज़ का है, तो उसको हम हार्वेस्ट इंडेक्स बोलते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आईक्लब IAS अकेडमी के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है फिर से। मैं हूँ डॉक्टर रॉय और आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है प्लांट ग्रोथ के बारे में, यानी कि जब पौधे में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को हम कैसे मापते हैं, उसको मापने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो उसमें करीब 8-10 मेथड मैंने बताया था, जिसमें हार्वेस्ट इंडेक्स, लीफ एरिया इंडेक्स, ये सब 3-4 मेथड्स हैं जो कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस जब वृद्धि, जैसा कि हमने देखा था कि वृद्धि जो है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब वो वन वे ट्रैफिक जैसा है कि एक बार उसमें गया तो फिर वृद्धि होगी आगे, वो रिवर्स नहीं हो सकता। और जब वृद्धि होती है तो पौधे में कई तरह से उसका इफ़ेक्ट दिखता है, जैसे उसका आकार बढ़ेगा, उसका रूप, उसका आकार, उसका वजन, उसका वॉल्यूम, ये सब में बदलाव आता है। जैसे एक फल है, जब फल बनता है फिर धीरे 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 उसका साइज़ बढ़ता है, इस तरह से कोशिका का साइज़ बढ़ता है, पौधे का साइज़ बढ़ता है, उसका वज़न बढ़ता है। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम वृद्धि को देखते हैं कि वृद्धि हो रही है। अब ये है कि जो वृद्धि होती है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है ग्रोथ, दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इन द सेंस कि जब वो सिर्फ कोशिका, अगर मान लीजिए कोशिका विभाजन होता गया और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4 से 8, 8 से 16 ऐसा कोशिका बढ़ता गया, तो सिर्फ एक मास इकट्ठा हो जाएगा, मतलब बहुत सारे कोशिकाएँ इकट्ठा हो जाएगी सब एक जैसी, माइटोसिस जब होता है। तो अगर उसमें बदलाव नहीं आया कोशिकाओं में, कोशिका में अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएँ, अगर उनमें बदलाव नहीं आया तो वो काम जो है अल्टीमेटली पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जब कोई जीवन की जो शुरुआत है वो एक कोशिका से होती है, जहाँ पर स्पर्म या एग या पॉलिन ग्रेन और एग सेल का फ्यूजन होता है और एक कोशिका बनती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट में फिर उसमें डिफरेंशिएशन होता है, उसमें पहले तो वो सिर्फ विभाजित होता रहता है, और जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है तो फिर उसमें कोशिकाओं में परिवर्तन आना शुरू कर होता है। तो कुछ कोशिकाएं जो है, जैसे अगर पौधे का जाइगोट है तो जब उसमें परिवर्तन आता है तो कुछ कोशिकाएं जो कि जड़ बनाएंगी वो अलग तरह में उनमें डेवलपमेंट होता है, कुछ जो है तना बनाएंगी, फिर जब जड़ तना बनता है फिर उसमें कुछ कोशिकाएँ अलग होकर पत्तियाँ बनाती हैं, कुछ जो है फिर अल्टीमेटली जब पौधा बड़ा होता है तो कुछ कोशिकाएँ फिर से उसमें परिवर्तित होकर वो फ्लावर्स बनाते हैं, फिर उसमें फ्रूट्स बनते हैं। तो इस तरह से कोशिकाओं में सिर्फ वृद्धि नहीं होती है, उसमें परिवर्तन भी आता है, बदलाव भी आता है। ठीक इसी प्रकार एक एनिमल का देखेंगे तो एनिमल में भी शुरुआत हमेशा एक सेल से, जाइगोट से हो रही है, फिर उसमें कोशिका का विभाजन होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, फिर उसमें अलगाव परिवर्तन होता है, फिर उसमें एक जब शरीर का विकास होता है तो कुछ कोशिकाएं जो है अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग अंगों का निर्माण करती है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि वृद्धि और साथ में उनमें बदलाव आना, जिसको परिवर्तन आना, जिसमें अलग अलग कोशिकाएँ उनका रूप आकार सब कुछ बदलता है और वो अलग अलग तरह की क्रियाएँ करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग चीज़ है। डेवलपमेंट में मतलब उसमें परिवर्तन आएगा, वो अपना अपना काम करने के लिए अलग अलग तरह के स्पेसिफिक उनमें चेंजेस आएंगे उनके आकार में, रूप में, और फिर वो अपना अपना काम करती हैं। तो ये जो ग्रोथ होता है और ये जो डेवलपमेंट होता है, ये इसका कंट्रोल कौन करता है? तो इसका कंट्रोल जो है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोशिका जब शुरुआत हो रही है, वो कोशिका में विभाजन हो रहा है, वो विभाजन अगर होता जाएगा तो वो तो एक अनलिमिटेड प्रोसेस है, वो तो मास बढ़ता जाएगा, साइज़ बढ़ता जाएगा, विभाजन होता जाएगा, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद वो रुकता है, फिर जहाँ ज़रूरत है वहीं पर विभाजन होता है। जैसे कोई हिस्सा, पेड़ का कोई हिस्सा टूट गया या कट गया, फिर वहाँ से नई शाखाएँ फूटती हैं, या हमारे शरीर में कहीं कोई चीज़ कट जाता है तो फिर वहाँ पर विभाजन होता है कोशिका
कोशिका का, जब तक वो घाव भर नहीं जाए फिर वो बंद हो जाता है। तो ये जो कंट्रोल है कि कहाँ पर कब विभाजन होगा, कब नहीं होगा और कौन सी कोशिका में परिवर्तन हो करके वो क्या बनेगी, ये सब चीज़ों का कंट्रोल जो है एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, एक तरह के अलग तरह के यौगिक मिलते हैं शरीर में जो कि इसका कंट्रोल करते हैं, जिनको कि हम ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स वो केमिकल हैं, वो कंपाउंड है, वो जो केमिकल रासायनिक यौगिक हैं जो शरीर में बनते हैं, वो चाहे पौधा हो या कोई जंतु हो, उसके शरीर में वो बनते हैं और बनने के बाद वो अब जहाँ पर वो बनते हैं वहाँ से कहीं और जाकर अपना क्रिया जो है करते हैं। तो इन और इनकी मात्रा जो है वो बहुत थोड़ी मात्रा में ये बनते हैं, थोड़ी मात्रा में ही बनते हैं और फिर अपना वो क्रिया करते हैं। तो ये जो है ना सारे प्रोसेसेस को जो भी एक जीवित प्राणी में या जीवित पौधे में होती है उसके जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको ये कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं कि कब वो होगा, कब नहीं होगा, कहाँ पर तेज़ी से होगा, कहाँ पर धीरे होगा, कहाँ बंद हो जाएगा। तो इसलिए इनको ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है कि हम ग्रोथ वृद्धि को ये रेगुलेट करते हैं। तो ये किस तरह के होते हैं पौधे में इसको हम आगे देखेंगे। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं उनको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। फाइटो मीन्स जो है पौधे से है और हार्मोन उनको हार्मोन कहा जाता है। कैसे हार्मोन? जो कि पौधे में मिलते हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन ये क्या होते हैं? ये मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब ये कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक तत्व होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि नेचुरली पौधों में बनते हैं, जिनका प्रोडक्शन जो है मतलब जिनका बनना जो है वो नेचुरली होता है, हायर प्लांट्स में वो नेचुरली बनते हैं। और ये क्या कंट्रोल करते हैं? ये कंट्रोल क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं आपके ग्रोथ को या दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स पौधे में बन रहे हैं तो फाइटो हार्मोन्स। तो ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये एक तरह के रासायनिक यौगिक होते हैं। किस तरह के? तो ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि नेचुरली पौधे में उत्पन्न होते हैं, पौधे में पैदा होते हैं नेचुरली। और ये कंट्रोल क्या करते हैं? पौधे की वृद्धि को या दूसरे जो फिजियोलॉजिकल दूसरी जो प्रतिक्रियाएं उसमें कोशिकाओं में होती हैं उनको या दूसरे फंक्शंस को वो कंट्रोल करते हैं। और इनका जो साइट है जहाँ पर ये एक्ट करते हैं, जहाँ पर इनका एक्शन होता है वो रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जहाँ पर ये बनते हैं उससे कहीं दूर जाकर ये अपना असर दिखाते हैं। जहाँ पर बनते हैं वहीं अपना असर वो नहीं दिखाते हैं, तो दूर जाके असर दिखाते हैं। तो इनमें जो इसके परिभाषा से हम दो तीन चीज़ें जो हम मेन पॉइंट्स जो सामने आता है वो ये है कि जो फाइटो हार्मोन्स या रेगुलेटर्स हैं वो ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, ये नेचुरली पौधे में बनते हैं, प्राकृतिक रूप से ही पौधे में ये बनते हैं, ये ग्रोथ और दूसरे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और इनका जो एक्शन साइट ऑफ एक्शन होता है जहाँ पर ये काम करते हैं वो हमेशा इनके साइट ऑफ प्रोडक्शन से अलग होता है, जहाँ ये बनते हैं वहाँ अपना काम नहीं करते, कहीं और जाकर ये काम करते हैं। तो ये हार्मोन्स का जो है ये एक मेजर कैरेक्टर्स जो है ये होता है। तो थीमन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1948 में फाइटो हार्मोन नाम को प्रपोज किया था कि इनको इन कंपाउंड्स को ऐसे जो कार्बनिक यौगिक को हम फाइटो हार्मोन्स बोलें। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है इसमें क्या आता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, ग्रोथ रिटार्डेंट्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ग्रोथ रिटार्डेंट जो कि ग्रोथ को कम करते हैं, धीमी करते हैं वृद्धि को, और इनहिबिटर ग्रोथ को बिल्कुल नहीं होने देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये ग्रोथ रेगुलेटर्स में आती हैं। तो ऑक्सिन जो है जो वो हार्मोन है जो कि सबसे पहले पौधे में जिसका डिस्कवरी हुआ था, मतलब फाइटो हार्मोन्स की अगर हम बात करें या ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो जो पहला ग्रोथ रेगुलेटर जो जिसका कि डिस्कवरी पौधे में की गई थी, जिसकी खोज पौधों में की गई थी वो ऑक्सिन था। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं जो पौधे में पाए जाते हैं और वो पौधे में कम मात्रा में बनते हैं, जहाँ पर बनते हैं वहाँ से कहीं दूर जाकर अपना काम करते हैं। और उनका काम जो होता है वो ग्रोथ को मेनली वृद्धि को कंट्रोल रेगुलेट करना या दूसरे जो उसमें प्रतिक्रियाएँ होती है दूसरे फिजियोलॉजिकल जो भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करना। तो प्लांट हार्मोन की जब हम बात करते हैं
तो अगर इसको सही मायनों में प्लांट हार्मोन शब्द को हम यूज़ करें तो बोलता है इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू नेचुरली ऑकरिंग प्लांट सब्सटेंसेस। तो प्लांट हार्मोन अगर हम कह रहे हैं, प्लांट हार्मोन शब्द को कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड है कहाँ तक, वहाँ तक जो कि नेचुरली ऑकर होते हैं, मतलब जो प्राकृतिक तौर पर पौधों में जो हार्मोन्स बनते हैं उनको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। तो प्लांट हार्मोन जैसे कि ये पांच क्लास के हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबीसीसिक एसिड और इथिलीन। ये पांच तरह के जो हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबीसीसिक एसिड और इथिलीन, ये पांच जो है, ये पांच तरह के जो कार्बनिक यौगिक हैं ये पौधे के अंदर बनते हैं, प्राकृतिक तौर पर बनते हैं, तो इनको इसलिए प्लांट हार्मोन्स बोला जाता है। और ये सब वही हैं, ये सारे जो है प्लांट की मेनली ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं या दूसरी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको ये लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो ग्रोथ रेगुलेटर है उसमें सिंथेटिक कंपाउंड भी आते हैं और नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन भी आते हैं। यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में वैसे केमिकल कंपाउंड भी आएंगे, उस तरह के यौगिक भी आएंगे जो कि मैन मेड हैं, जिसको इंसान ने तैयार किया है, जो कि शायद काम इसी तरह का करते हैं, इसी तरह ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला काम करते हैं, लेकिन वो लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में बनाया हुआ है, वो प्लांट के अंदर अपने आप तैयार नहीं हो रहा है। तो ग्रोथ रेगुलेटर हम देखेंगे कि एक बड़ा टर्म है, मतलब इसका विस्तार ज़्यादा है। इसमें जो प्राकृतिक तौर पर पौधे में बन रहे हैं वो भी आते हैं और जो सिंथेटिक कंपाउंड जिनको हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं वो भी आते हैं, पर प्लांट हार्मोन सिम हम उन्हीं को बोलते हैं जो कि पौधे के अंदर बन रहे हैं। बाकी फंक्शन दोनों का एक ही तरह का है, दोनों ही ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो हार्मोन्स को जब हम देखेंगे तो हार्मोन्स इसलिए बोलते हैं कि इंडोजिनस कंपाउंड, इंडोजिनस मतलब जो अंदर बन रहा है, जो बाहर से नहीं आया हुआ। जैसे भारत के अंदर अगर कोई चीज़ बन रही है तो इंडिजिनस उसको बोलते हैं, देश के अंदर बन रहा है। तो इस तरह से इंडोजिनस कंपाउंड मतलब जो पौधे के अंदर तैयार हो रहा है, जो कि बनता कहाँ है, एक जगह पर कहीं बनता है और उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है कोई दूसरी जगह पे, जहाँ पर ये एक अपना असर दिखाता है, एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देता है, मतलब उसका असर जो है कहीं दूर जाकर दिखता है। और इनका मात्रा जो कि किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है वो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। तो हार्मोन्स हमेशा बहुत कम मात्रा में ही अपना असर जो है वो दिखा सकते हैं। तो इसलिए प्लांट हार्मोन हम या हार्मोन उसको बोलते हैं कि इंडोजिनस कंपाउंड है, जो कि बनता एक जगह है और काम कहीं दूसरी जगह जाके करता है। और इथिलीन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस इन नेचर होता है, मतलब ये गैस, इसकी जो साधारण अवस्था है वो गैस की अवस्था होती है, बाकी जो है वो द्रव अवस्था में रहते हैं। और ये एक ऐसा हार्मोन है जिसका कि असर जो है वो नियर बाई एरिया में ही होता है, मतलब जहाँ वो बनता है उसी के आसपास वो अपना असर दिखाता है। तो इस तरीके से इथिलीन जो है ये प्लांट हार्मोन के का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें ये फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हार्मोन की जो परिभाषा है वो ये बोला गया है कि हार्मोन जो है जहाँ पर बनता है उससे कहीं दूर जाकर अपना असर दिखाता है, थोड़ी मात्रा में बनता है और नेचुरली ऑकरिंग है। तो इथिलीन है तो नेचुरली ऑकरिंग, नेचर में या प्राकृतिक रूप से पौधे में बन रहा है, लेकिन ये असर वहीं जहाँ बनता है उसी के आसपास असर दिखाता है। तो ये एक इस तरह से उस नियम का या उस फीचर का ये अपवाद है कि हार्मोन जो है अपना असर कहीं दूर जाके दिखाते हैं, तो उसका अपवाद में इथिलीन आता है। और इसलिए बोलते हैं कि क्लासिफाइड डेफिनेशन ऑफ हार्मोन डज नॉट अप्लाई टू इथिलीन, मतलब हार्मोन का जो परिभाषा है वो उसमें सारे पॉइंट्स जो है उसमें इथिलीन फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ये अपना असर वहीं दिखाता है। तो यहाँ पर मैंने एक जो अलग अलग तरह के हार्मोन हैं उनका एक समरी दिया है। ऑक्सीन जो है ये सब्सटेंस जनरली इंडोलेस्टिक एसिड है उससे मिलते जुलते होते हैं और इनमें एबिलिटी होती है स्टिमुलेट द इलोंगेशन ऑफ कोलियोप्टाइल, यानी कि जो नया अपना बन रहा है, निकल रहा है, जो पौधे में नया स्टेम जो बन रहा है तो उसके इलोंगेशन में, उसमें वृद्धि में ये मदद करता है। जिब्रेलिन में एबिलिटी है स्टेम इलोंगेशन की, मतलब तना जो है
उसकी लंबाई यानी कि जो तने में जो गांठ होती है, दो गांठ के बीच की जो एरिया है जिसको इंटरनोड बोलते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ाने में जिबरेलिन मदद करता है। खास करके जब हरा पौधा है, नया पौधा जो विकसित हो रहा है, स्पेशली सर्टेन ड्वार्फ एंड रोजेटे, मतलब कोई ड्वार्फ नाटा अगर पौधा है उसमें अगर जिबरेलिन का एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें जो गांठ के बीच की जो ये लंबाई है वो बढ़ जाएगी, पौधा नाटे से लंबा हो सकता है। इस तरह से साइटोकाइनिन, इसमें अगर आप नाम पर ध्यान देंगे तो साइटो मीन्स कोशिका है और काइनिन काइनेसिस विभाजन से संबंधित है। तो जैसा अगर आप कोशिका विभाजन को याद करेंगे तो जब कोशिका दो अलग, एक से दो अलग अलग होती है तो उसको साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। तो ये साइटोकाइनिन जो है वो विभाजन से संबंधित है, इसलिए इसको साइटोकाइनिन नाम दिया गया है। तो इसमें जो है ना विभाजन, कोशिका विभाजन को इंड्यूस करने की इसमें क्षमता होती है। तो यूजुअली ये बोलता है स्टिमुलेट साइटोकाइनेसिस इन कल्चर्स ऑफ टोबैको सेल्स, ये देखा गया। मतलब जब टोबैको यानी कि तंबाकू के कोशिकाओं को एक कल्चर में, मतलब कृत्रिम रूप से जब उनका कल्चर किया जा रहा है तो उसमें देखा गया कि साइटोकाइनिन जब डालते हैं तो उसमें तेज़ी से कोशिका विभाजन होने लगता है। तो ये कोशिका विभाजन को स्टिमुलेट करता है, इसको ज़्यादा बढ़ने देता है। इथिलीन जो है ये सीडलिंग्स का डायमेट्रिक उनका ग्रोथ को बढ़ाता है और अल्टीमेटली फल को पकना और उसको उसके टूटने में ये इथिलीन जो है मददगार होता है। और कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो ये मेनली जो हार्मोन के चार पांच प्रकार के पाए जाते हैं, एक जो है कोशिका विभाजन को, एक ऑक्सिन जो है मेनली वृद्धि को कंट्रोल करता है, जिब्रेलिन जो है इंटरनोड इलोंगेशन को करता है, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को करता है, इथिलीन जो है वो फलों का पकना और पत्तियों का झड़ना उसको नियंत्रित करता है, और इनहिबिटर जो है वो ग्रोथ को दबाते हैं। तो ये एक जस्ट मैंने आपके आइडिया के लिए दिया है कि अगर आप देखेंगे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स और जो हॉर्मोन्स होते हैं मेनली एबीसीसिक एसिड, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक हैं। और किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जैसा कि बेंजीन, जिसका पहला सदस्य बेंजीन होता है। जैसा कि आपको याद होगा कि जो कार्बनिक तत्व जो हैं हाइड्रोकार्बन्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक चेन वाले होते हैं और एक रिंग वाले होते हैं। तो रिंग वाले जो हैं उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो एरोमेटिक, ये सारे जो है ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, क्योंकि सब में जो है रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए इसको दिया है। तो इथिलीन, इसमें सिर्फ इथिलीन जो है वो अलग तरह का होता है। तो इथिलीन को अगर आप देखेंगे तो इथिलीन जो है वो सिर्फ इथिलीन जो है वो हाइड्रो, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये चेन वाला हाइड्रोकार्बन है। बाकी सारे जो हैं वो सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टाइप के हैं, जिनमें कि रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, रिंग की संरचना पाई जाती है। सिर्फ इथिलीन में जो है रिंग नहीं पाया जाता है। तो इथिलीन इसलिए बाकी सबसे थोड़ा अलग है, पर बाकी सब जो है सारे वो रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम ऑक्सिन्स को देखते हैं। तो ऑक्सिन जो है एक ग्रुप ऑफ फाइटो हार्मोन है। मतलब ऑक्सिन जो है एक, जो हार्मोन ऑक्सिन की कैटेगरी में आते हैं वो एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। ये कहाँ बनते हैं, शूट एंड रूट एपिक्स में। मतलब जो तना है पौधे का और जो जड़ है तो उसके एपिक्स में, उसकी जो बिल्कुल अग्र भाग जो है वहाँ पर ये बनते हैं, आपके ऑक्सिन्स का निर्माण होता है। और वहाँ से ये माइग्रेट होते हैं, जैसे यहाँ बना है तो यहाँ से ये माइग्रेट होकर नीचे की तरफ आता है या इधर जाता है, ये यहाँ पर आता है। तो वहाँ से ये माइग्रेट होते हैं और माइग्रेट होकर दूसरे जगह पर जाके अपना एक्शन करते हैं, पर बनते ये हैं बिल्कुल टिप्स पे। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, जैसे कोई पौधा, जो नया पौधा जो बीज से जर्मिनेट हो रहा है उसमें अगर इसको काट दिया जाता है तो देखते हैं कि उसकी वृद्धि जो है आगे रुक जाती है, और उसको जब दोबारा रिप्लेस किया जाता है तो फिर से ऑक्सिन से, तो फिर उसमें वृद्धि शुरू हो जाती है। तो ऑक्सिन जो है ये एकदम अग्रभाग में बनता है, चाहे जड़ का अग्र, तने का अग्रभाग है या जड़ का अग्रभाग है, वहीं पर ये बनता है। और उसके बाद वहाँ से ये माइग्रेट होकर दूसरी जगह आता है और वहाँ पर अपना असर जो है वो दिखाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये डार्कर साइड ऑफ द प्लांट में जाता है। मतलब अगर मान लीजिए ये एक पौधा है
और यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है और सनलाइट, इसको सूरज की रोशनी इसके ऊपर इधर से पड़ती है ज़्यादातर समय में, तो क्या होगा, ये जो बनने के बाद ये इस तरफ आके जमा हो जाएगा, यहाँ से आके एक तरफ जिधर रोशनी पड़ रही है उससे दूर वाले हिस्से में आके वो जमा हो जाएगा। तो जब जमा इधर वाले हिस्से में आएगा तो इधर वाले हिस्से में कोशिका में विभाजन इस वाले कोशिका से कंपैरेटिवली ज़्यादा होने लगेगा, उसमें वृद्धि ज़्यादा होने लगेगी, तो यहाँ की कोशिकाएँ जो है ज़्यादा लंबी होने लगेगी, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये इस तरह का जो है ना ये पौधा मुड़ जाता है, यहाँ की कोशिकाएँ लंबी हो जाती है और यहाँ की कंपैरेटिवली छोटी रह जाती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से, तो ये ऐसा करके पौधा जो है वो मुड़ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि लाइट की तरफ ये पौधा मुड़ता है। तो कोई भी पौधे को अगर हम खिड़की के पास रखते हैं और इधर खिड़की से रोशनी आती है सूरज की रोशनी और पौधा उधर मुड़ता है, तो ये ऑक्सीजन के कारण होता है। और मुड़ने का आप हमेशा देखोगे कि ऊपर वाला हिस्सा मुड़ता है, बीच वाला हिस्सा नहीं मुड़ता, ऊपर वाला हिस्सा जो वृद्धि कर रहा है वही वाला हिस्सा मुड़ता है। तो जहाँ ऑक्सीजन बनता है वो सूरज की रोशनी जिधर पड़ रही है उससे दूर भागता है, दूसरे तरफ चला आता है, वहाँ की कोशिकाएं लंबी हो जाती है तो वहाँ कोशिकाओं में वृद्धि ज़्यादा होती है, तो ये ऐसा करके एडजस्ट करने के लिए उसको ऐसा करके मुड़ जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि ये क्या होता है कि मूव्स टू द डार्कर साइड ऑफ द प्लांट कॉजिंग द सेल्स डेयर टू ग्रो लार्जर देन द कॉरस्पॉन्डिंग सेल ऑफ द लाइटर साइड। मतलब यहाँ पर अगर सूरज की रोशनी इधर से आ रही है तो ऑक्सीजन यहाँ पर जमा हो जाएगा, तो यहाँ की कोशिकाओं की जो वृद्धि है वो ज़्यादा होगी बशर्ते कि उस तरफ की कोशिकाओं से, तो ये बड़े होंगे तो ये जो है ना वहाँ पे पौधा मुड़ जाता है ऐसा करके। और ये ऑक्सीजन जो शब्द है इसको कॉगल और हैगन स्मिथ नामक वैज्ञानिकों ने इसको 1931 में इस टर्म को दिया था। तो ऑक्सीजन मेनली जो है वो ग्रो इलोंगेशन ग्रोथ, जो ऊपर वाला हिस्सा जो है एपेक्स, उसके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन मेनली जिम्मेदार है। और पहली बार ऑक्सीजन का आइसोलेशन, मतलब ऑक्सीजन को निकाला गया पौधे से, वो एविना एक तरह का पौधा होता है एविना नाम का, उसके कोलियोप्टाइल यानी उसके टिप से, जो उसके वृद्धि हो रही है तना उसके ऊपर वाले जगह से इसको निकाला गया। सबसे पहले एविना कोलियोप्टाइल के टिप से ऑक्सीजन का आइसोलेशन सबसे पहले किया गया था। और इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है जैसा ऊपर में लिखा गया है कि ग्रुप ऑफ फाइटो हार्मोन्स है, मतलब ऐसे हार्मोन्स जो कि इस तरह की एक्टिविटी शो करते हैं, तो उसमें नेचुरली जो बनता है वो इंडोल एसिटिक एसिड है। पौधे में जो बनता है उसका अगर केमिकल नेचर देखेंगे, रासायनिक उसकी जो गतिविधि या जो उसका रासायनिक दृष्टिकोण से उसका जो देखेंगे स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसको जो है एक एसिड होता है और उसका नाम इंडोल एसिटिक एसिड है। ये जो है वो नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन है जो कि नेचर में प्रकृति में उसके अंदर मिलता है। बाकी जो ऑक्सीजन जो उस ग्रुप में आते हैं वो सब आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, यानी कि कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हैं। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है उसमें क्या क्या आता है, IBE आता है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, उसके बाद NAA आता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, MENA आता है मिथाइल एस्टर ऑफ नेप्थलीन एसिटिक एसिड, MCPA2 मिथाइल 4 क्लोरोक्सी, ये इनका नाम है, TIBA235 डाई आयोडोबेंजोइक एसिड आता है, 24D आता है, 245T आता है। तो इसमें ये 24D, 245T और NAA और IBA, ये चार जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तो इनका नाम आपको ज़्यादा बुक्स में या कहीं जगह पे इनका नाम मिलेगा। तो ये जो सारे हैं ये आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, और जो नेचुरली पौधों में मिलता है वो है इंडोल एसिटिक एसिड IAA। तो IAA जो है वो नेचुरल है, IBA ब्यूट्रिक एसिड या नेप्थलीन एसिटिक एसिड, NAA या 24D, ये 24D को आप याद रखेंगे, 24D जो है ना इसका एक काम खरपतवार नष्ट करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो 24D एक खरपतवार नाशी भी है, उसके लिए भी एक इस्तेमाल होता है। तो 24D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या 245T, ये जो चार है, पहला दूसरा और ये छठा और सातवां, ये चार जो है ये मेनली इस्तेमाल किया जाता है एज ए ऑक्सीजन के लिए। और इंडोल एसिटिक एसिड वो ऑक्सीजन है जो कि नेचुरली पौधे में तैयार होता है। तो ये उस फोटोग्राफ से मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी पड़ रही है,
तो यहाँ पे ऑक्सीन जहाँ पे बन रहा है, ये सब जो कलर मॉलिक्यूल से ये ऑक्सीन के मॉलिक्यूल हैं, तो ये ऑक्सीन यहाँ बनता है और उसके बाद ये नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जाके इधर अपना काम करता है जहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो जैसे सूरज की रोशनी इधर से अगर पड़ रही है तो ये इसके उल्टे तरफ यानी कि इधर आके जमा होने लगता है। तो जब इधर आके जमा होने लगता है तो यहाँ की कोशिकाओं पे इसका असर ज़्यादा होता है, यहाँ की कोशिकाओं का साइज़ जो है वो आकार जो है बड़ा हो जाता है। तो ये देखेंगे कि यहाँ जो कोशिका का आकार था, ये साइज़ की कोशिकाएँ थी, यहाँ पर इस साइज़ की कोशिकाएँ थी, ये यहाँ पर बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर की कोशिकाएं इससे बड़ी हो गई है, तो बड़ी हो जाती है तो ये साथ में उसी दर से ये नहीं बढ़ रहा है तो ये जो है ना ऐसा मुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो है जो ग्रोइंग टिप है, जो अग्रभाग है, वो ऐसा मुड़ जाता है। तो जिधर रोशनी है हम बोलते हैं कि पौधा इसलिए उधर मुड़ता है। तो ये ऑक्सीजन के कारण होता है कि ऑक्सीजन जो है जहाँ रोशनी पड़ती है उसके उल्टी तरफ आता है और वहाँ अपना असर दिखाता है, वहाँ की कोशिकाएँ बड़ी लंबी हो जाती है तो पौधा ऐसे मुड़ जाता है। ऑक्सीजन के इफ़ेक्ट क्या हैं? तो ऑक्सीजन जो है जैसा देखें कि ग्रोथ स्टिमुलेटर है, तो कोशिका में डिवीजन और कोशिका का आकार बढ़ना, ये दोनों को कंट्रोल करता है। तो ऑक्सीजन का जो एक दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है वो है ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है जो पौधे का अग्रभाग है जो कि वृद्धि कर रहा है, इसको हम एपिकल पार्ट बोलते हैं। और यहाँ का जो मेरिस्टम, यहाँ का जो ऊतक है उसको एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू बोला जाता है। तो इसमें एक ऐसी चीज़ होती है कि ये जब बढ़ता है, यहाँ ग्रो कर रहा है, तो ये आसपास से लैटरल बड्स यानी कि दूसरी आजू बाजू से निकलने वाले जो कलियाँ हैं उनको ये नहीं उभरने देता है, उनको निकलने नहीं देता है, आसपास से शाखाएं नहीं निकलती है, उनको वो दबा देता है। तो इस घटना को हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं कि ये खुद ग्रो करता है और आसपास से कोई शाखाओं को निकलने नहीं देता है। तो अगर टर्मिनल बड यानी कि ऊपर वाला जो बड है, कली है, वो इंटैक्ट है, सही सलामत है और ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स मतलब आजू बाजू में अगर कोई बड है जिससे ग्रोथ हो सकता है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, इसको एपिकल डोमिनेंस बोला जाता है। तो इसको देखा गया है कि अगर यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसको अगर यहाँ से काट दिया जाए तो फिर यहाँ से शाखाएँ जो है निकलना चालू होती हैं। फिर ये जो शाखा निकल रही है, यहाँ का जो अग्रभाग है वो भी एपिकल डोमिनेंस शो करेगा। तो यहाँ अगर हम यहाँ काट देंगे तो फिर यहाँ से शाखाएँ निकलेगी। फिर ये जो शाखा निकल रही है इसका अगला हिस्सा, इसको अगर हम काट देंगे तो यहाँ से भी शाखाएँ निकलेगी। तो जब उसको काट देते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है और बाजू से बड्स जो है वो ब्रांच शाखाओं को जो फेंकता है, शाखा फेंकने लगता है। तो इस घटना को हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं और इसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो आजू बाजू से शाखाएँ निकलना चालू होती है। तो इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है खास करके, बहुत सारे पौधे हैं खासकर, जैसे एक बहुत कॉमन है गेंदा, जिसमें गेंदे का पौधा जब लगाया जाता है तो जैसे उसमें मेन वो निकलता है तो उसको बड को हम तोड़ देते हैं तो बाजू से फिर नए ब्रांच निकलते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं तो और ब्रांचेस निकलते हैं, तो पौधा ऐसे घना होता है, उसमें फ्लावरिंग जो है फूल ज़्यादा आते हैं। तो ये है, ये एपिकल डोमिनेंस है जो कि ऑक्सीजन के कारण होता है। तीसरा जो करता है वो है रूट इनिशिएशन। तो ऐसा देखा गया है कि जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन होगा तो वो जड़ की ग्रोथ को वो रोकता है, उल्टा करता है। शूट में, स्टेम में जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ पर स्टेम का यानी कि तना का की वृद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन जड़ में ठीक इसका उल्टा देखा गया है। जड़ में देखा गया है कि अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हो जाए तो वो जो है पौधे की जड़ की उसको बढ़ने की प्रक्रिया को उसको रोकता है। लेकिन लैटरल रूट्स इंक्रीज मतलब क्या होगा कि ये जो जड़ जो है नीचे बढ़ रहा है तो इसको ज़्यादा लंबा ये नहीं होने देगा, लेकिन आजू बाजू से जो जड़ें निकलती है वो जड़ें जो है ज़्यादा मात्रा में निकलेंगी। तो अगर यहाँ पे जड़ के पास ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो ये जड़ नीचे लंबाई में जिस दर से वो बढ़ता है उस दर से वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आजू बाजू में जो है वो रूट्स जो है उनमें देखा गया है कि ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, उनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। बोलते हैं कि अगर इंडोलेस्टिक एसिड है, अगर कोई जैसे एक पौधे का हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ पे इसको अगर मैं काट दिया और काट के इस हिस्से में अगर इंडोलेस्टिक एसिड यानी कि जो प्राकृतिक तौर पे जो ऑक्सीजन बनता है उसको मैं वहाँ पे लगा दिया तो उससे क्या होता है, वहाँ पर अर्ली और एक्सटेंसिव रूटिंग मतलब इसको मैं काट के मान लीजिए अलग कर दिया हूँ और इस हिस्से में ऑक्सीजन
को लगा दिया हूँ, इस हिस्से में ऑक्सीजन अप्लाई किया हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से तुरंत जो है ये जड़ फेंकना चालू कर देगा। तो अगर काट के कटिंग, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अगर मैं कटिंग को लगा रहा हूँ, कटिंग करके उसको लगा रहा हूँ और उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन अप्लाई करके उसको लगाता हूँ, तो वहाँ बहुत जल्दी जड़ फेंकेगा और वो जल्दी पौधा जो है वो पकड़ लेगा। तो इसका जो रूट इनिशिएशन का जो प्रोसेस है, इसका इस्तेमाल जो है कटिंग को लगाने में किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एबसिशन, एबसिशन का मतलब ये है कि जो पत्तियाँ जब ओल्ड हो जाती है, मुरझा के या टूट के गिर जाती है, उसको हम एबसिशन बोलते हैं, उनका डेथ एक तरह से जिसको आप बोल सकते हो कि अंत जो है, तो उसको जो है ना ऑक्सीजन अगर अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा डिले हो जाता है। तो बोला जाता है कि जो नेचुरली ऑक्सीजन जो पौधे में जो नेचुरल तौर पर ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, वो फॉर्मेशन ऑफ एबसिशन लेयर, वहाँ पे देखा गया है कि जहाँ पत्तियाँ हैं वहाँ जहाँ पे जुड़ी हुई है शाखा से, वहाँ पर एक लेयर बन जाता है जिससे उसका संपर्क कट जाता है और वो फिर पत्तियाँ जो है सूख जाती हैं और गिर जाती है, वो एबसिशन लेयर उसको बोलते हैं। तो उस लेयर का बनना जो है ना वो डिले हो जाता है, तो विच में रिजल्ट इन फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब होता है, पर वो जो है नेचुरल ऑक्सीजन जो है उस लेयर को बनने से रोकता है, जिससे वहाँ पर फूड सप्लाई और आपका जो सॉल्यूट है पानी वानी की सप्लाई जारी रहती है, तो वो ज़्यादा दिन तक वो जो है जीवित रहता है। तो मेनली ऑक्सीजन का काम है सेल डिविजन और उसको इलंगेशन, उसको बढ़ाना, एपिकल डोमिनेंस शो करना, जड़ ऑक्सीजन लगाने से जड़ जल्दी फेंकता है और इसलिए इसको कटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और एब्सिशन को ये रोकता है, थोड़ा प्रिवेंट करता है। एक दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट है पार्थेनोकार्पी। अगर हम उसको याद करें कि जो एपोमिक्सिस को याद करें कि जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, तो ऑक्सीजन का अगर स्प्रे किया जाता है तो देखा जाता है कि यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ऐसा फ्रूट्स का डेवलपमेंट यानी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट देखा जाता है। तो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट पॉलिनेशन, बिना परागण किए हुए फ्रूट का बनना, फर्टिलाइजेशन या परागण के बिना ही जो है फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा अगर बिना पॉलिनेशन के और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा तो उसमें बीज नहीं होगा, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ है, तो क्योंकि बीजांड जो है उससे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे सीड का डेवलपमेंट होता है और जो ओव्यूल है, ओवरी है, उससे सीड बनता है, फ्रूट बनता है। तो नॉर्मली ऐसा अगर होता है तो इसमें देखा गया है कि ओवरी जो है वो इस तरीके में क्या देखा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की मात्रा जो है वहाँ बढ़ जाती है जहाँ पर इस तरह का होता है, और हायर देन द ओवरीज ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फ्रूट ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे ओवरी से जहाँ पर इस तरह की घटना देखने को मिलती है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑक्सीजन जो है पार्थेनोकार्पी को बढ़ावा देता है। और रेस्पिरेशन में देखा जाता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के कारण बढ़ जाता है, तो ये इनडायरेक्टली असर करता है, कैसा बोलता है कि इंक्रीज सप्लाई ऑफ एडीपी बाय रैपिडली यूटिलाइजिंग द एटीपी इन द एक्सपेंडिंग सेल्स। तो ये क्या होता है कि जहाँ पे कोशिका का ग्रोथ हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिका ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ जो है ज़्यादा इस्तेमाल एटीपी का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है, तो एटीपी से एडीपी बनने लगता है, तो वहाँ पर फिर से और ऊर्जा चाहिए, तो वहाँ पर जब रेस्पिरेशन बढ़ेगा तभी वहाँ पे एटीपी और मिलेगा ऊर्जा के लिए स्रोत के तौर पे। तो ये इनडायरेक्टली एक तरह से बोलते हैं कि रेस्पिरेशन को बढ़ाता है। और कैलस फॉर्मेशन, कैलस हम उसको बोलते हैं जब हम एक कोशिका को कल्चर में कृत्रिम माध्यम में उसको डालते हैं और कोशिका में विभाजन शुरू हो जाता है लेबोरेटरी में, और वो धीरे 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 कोशिका एक कोशिका से बढ़ के इतना इकट्ठा एक कोशिका का मास जैसा बन जाता है, तो उसको हम कैलस बोलते हैं। तो कैलस फॉर्मेशन यानी कि कोशिका में विभाजन शुरू हो जाना और उसका काफ़ी मात्रा में कोशिका एक जगह इकट्ठा हो जाना, तो वो जो है ना वो ऑक्सीजन डालने से वो प्रक्रिया ज़्यादा फास्ट होती है। तो इन मेनी टिश्यू कल्चर्स द कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ सच कैलस टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कुछ में देखा गया है कि ऑक्सीजन डालने पर ही ये विभाजन और सेल की मात्रा बढ़ने का काम जो है वो होता है। तो ये सब ऑक्सीजन के कुछ रोल्स हैं जो कि नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। और ऑक्सीजन जो है नॉर्मली देखा गया है कि ये फ्लावरिंग को जो है इनहिबिट करता है,
तो ये जो आपने देखे इससे पहले कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये नॉर्मली ऑक्सीजन के जो रोल है, जिनको ऑक्सीजन का ज़्यादा जहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सीजन जिससे बनता है वो किससे बनता है, तो ट्रिप्टोफेन से बनता है। तो ट्रिप्टोफेन जो है ये एक एमिनो एसिड है, एक एमिनो अम्ल है। तो ये एक एमिनो अम्ल है जिससे कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो यही प्राइमरी प्रिकर्सर यानी कि शुरुआती जो यौगिक है जिससे कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो ट्रिप्टोफेन है, जो कि एमिनो अम्ल है। थीमन ने दिखाया था कि ट्रिप्टोफेन जो है वो इंडोलेस्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है। और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है, वो पोलर है। पोलर मतलब ये है कि एक जगह बनता है, दूसरे एंड में वो जाता है। जैसे नीचे जड़ में बनेगा तो ऊपर आता है जड़ों में, और ऊपर एकदम तने में ऊपर बनेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा जो मूवमेंट है एक डायरेक्शन में, उसको पोलर मूवमेंट बोला जाता है। तो ऑक्सीजन का जो है वो मूवमेंट पोलर है, क्योंकि ये एपेक्स ऊपर में बनता है, यानी कि एपेक्स मतलब ये वाले हिस्से में बनेगा और नीचे की तरफ आता है। तो ऐसा मूवमेंट को पोलर मूवमेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है वो पोलर मूवमेंट होता है। और एक एंजाइम है IAA ऑक्सीडेज, इंडोलेसिटिक एसिड ऑक्सीडेज, जो कि ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन को, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उस अगर ये एंजाइम मौजूद है IAA ऑक्सीडेज, तो ऑक्सीजन जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन इज डिस्ट्रॉयड बाय द एंजाइम IAA ऑक्सीडेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑक्सीडेशन। इसलिए ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेज नाम दिया गया है। किसका ऑक्सीकरण होता है, तो इंडोलेस्टिक एसिड का होता है। तो इंडोलेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो इसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। क्योंकि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन, वो ऑक्सीजन होगा तभी होगा। तो ये एंजाइम जो है ऑक्सीजन को नष्ट करता है। जब हम ऑक्सीजन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, तो इसमें देखा गया है कि जहाँ पे इंडोलेस्टिक एसिड या ऑक्सीजन पौधे में तैयार होता है, वहाँ पर उसकी सेल की प्लास्टिसिटी यानी कि उसकी जो तन्यता है, वो जो तनाव झेलने की क्षमता, जो उसकी कोशिका भित्ति या कोशिका की जो तनाव को प्रेशर को झेलने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। वो थोड़ी इलास्टिसिटी उसमें आ जाती है, तो जिससे क्या होता है कि कोशिका के विभाजन में आसानी होती है। तो कोशिका का विभाजन जो है थोड़ा आसानी से होता है। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि जो DNA जो है, ऐसा पाया गया है कि जो DNA है उसको ऑक्सीजन किसी तरीके से वहाँ इन्फ्लुएंस करता है, जिससे वहाँ का एक तरह का एंजाइम बनता है, जो एंजाइम प्रोडक्शन एक तरह का होता है, जो कि सेल वॉल का एक्सपेंशन यानी कि कोशिका भित्ति का एक्सपेंड होना, उसको जो है ना वो प्रमोट करता है, उसको ज़्यादा वो बढ़ाता है उस प्रक्रिया को। तो उससे नई कोशिकाएँ विभाजन में आसानी होती है। तो इस तरीके से जब इसका एक्शन देखा गया कि ऑक्सीजन किस तरीके से काम करता है, तो ये कोशिका भित्ति का एक्सपेंशन, उसके फैलाव को ज़्यादा त्वरित करता है, ज़्यादा आसानी से करता है, जिससे कि नई कोशिकाएं बनने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से ये कोशिका में काम करता है। जो अगला ग्रुप ऑफ हार्मोन है, जो जिब्रेलिन है, जिसको कि कुरुसावा नाम के जापानी वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले इसकी खोज की थी। उन्होंने देखा था कि पौधे में, जो धान के पौधे खेत में लगे हुए हैं, कुछ पौधे असाधारण रूप से लंबे हो रहे हैं। तो जब उन्होंने उसको और छानबीन किया, तो उन्होंने देखा कि जो लंबे पौधे हो रहे हैं उनमें एक तरह का कवक का उसमें इन्फेक्शन है, एक फंगस का इन्फेक्शन है। उस फंगस का नाम था जिब्रेला फुजिकोरी। तो जिब्रेला फुजिकोरी का जिस जिस पौधे में इन्फेक्शन है, उसमें पौधे लंबे हो गए हैं। तो उन्होंने जब और उसकी छानबीन की, तो देखा गया ऐसे पौधे में एक तरह का एक केमिकल बन रहा है, जिसको कि उन्होंने जिब्रेलिन नाम दिया। जिब्रेलिन क्योंकि जिब्रेला फुजिकोरी फंगस की वजह से उसमें वो बन रहा था, तो जिब्रेलिन नाम दिया। तो जिब्रेलिन का जो मेन असर होता है, मेन काम है, वो है कि इलोंगेशन करना, यानी कि इंटरनोड दो गांठ के बीच की जो लंबाई है उसको बड़ा कर देना। तो जिससे जिब्रेलिन बनता है वो है एसीटेट या एसिटिक एसिड, उसको हम बोलते हैं। तो एसीटेट जो है वो पहले कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। उसके बाद सीरीज ऑफ रिएक्शंस होता है, कई सारे अलग अलग यौगिक में वो बदलता है, और लास्ट में जाके उससे जिब्रेलिन का निर्माण होता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो एसीटेट और कोएंजाइम ए के मिलने से होती है। तो ये कोएंजाइम ए जो है कोशिका में ही पाया जाता है, जो कि एसीटेट के साथ रिएक्शन करके अल्टीमेटली उसको जिब्रेलिन में बदलता है। तो ये जिब्रेलिन जो है, बहुत तरह के जिब्रेलिन पाए जाते हैं। तो
ये जिब्रेलिन का एक स्ट्रक्चर है, तो ये भी देखेंगे कि रिंग वाला स्ट्रक्चर है, तो कई इसमें रिंग है, तो कई तरह के जैसे GA9 है, GA12 है, GA3 है, GA1 है, GA4 है। इसमें GA3 जो है ये मैक्सिमम इस्तेमाल होने वाला जिब्रेलिन है, इसी के चर्चा ज़्यादातर सुनने को मिलती है। तो इस तरह के बहुत तरह के जिब्रेलिन देखा गया कि देर आर 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन, 100 तरह के टाइप के जिब्रेलिन नॉर्मली पौधे में मिलते हैं। तो जिब्रेलिन का जो मेन फंक्शन है वो है कि हमने देखा कि एक तो स्टेम को इलॉन्गेशन करना, तने की लंबाई को बढ़ाना, इसके अलावा वो जर्मिनेशन में भी मदद करता है, बीज का जब जर्मिनेशन होता है तो उसमें वो हेल्प करता है, फ्रूट के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अगर जैसे फ्रूट है, जैसे ग्रेप है, ग्रेप मतलब अंगूर है, उसको जिब्रेलिन से ट्रीट किया जाता है तो देखते हैं कि जो उसका जो रूप और आकार है वो जो है जो अच्छा वो स्टोर होके रहता है, उस जल्दी वो ख़राब नहीं होता है जब उसको जिब्रेलिन हार्मोन से ट्रीट करके रखा जाता है। तो जिब्रेलिन के जो फंक्शंस है वो क्या क्या करता है इसको हम आगे देखेंगे। तो इसका जो इफ़ेक्ट है, एक तो जर्मिनेशन में इफ़ेक्ट करता है, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको कि लाइट की ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्यूस का बीज है या टोबैको का जो बीज है, इसमें देखा जाता है कि अगर इनको लाइट का एक्सपोजर नहीं मिलता है तो इनका जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर इनको जिब्रेलिन से ट्रीट किया गया तो भले ही लाइट थोड़ा कम भी मिले फिर भी इनका जर्मिनेशन होता है, यानी कि उस कमी को जिब्रेलिन पूरा करता है। इसके अलावा जो कलिकाएँ हैं उनकी जो सुषुप्तिकरण है उसको अगर देखा जाए कि जिब्रेलिन से ट्रीट किया जाए तो उनकी वो सुषुप्तावस्था से बाहर आ जाते हैं और उनमें वृद्धि शुरू हो जाती है। कई तरह के ऐसे होते हैं कि जैसे जो शरद के ऋतु के समय में वहाँ कलिकाएँ बन रही है, उसके बाद जाड़े का सर्दी का मौसम आ जाता है तो उनकी वृद्धि जो है ग्रोथ वो रुक जाता है, और फिर से जब वसंत ऋतु आता है तभी उनमें फिर से वृद्धि शुरू होती है। लेकिन जिब्रेलिन का जब हम स्प्रे करते हैं तो वो सुषुप्त अवस्था में नहीं जाती, उनमें वृद्धि जो है वो चालू हो जाती है। इसी तरह से रूट का ग्रोथ को जब देखते हैं तो देखते हैं कि जड़ की वृद्धि पे जिब्रेलिन कोई खास असर नहीं डालता है, और जब इंटरनोड की इलॉन्गेशन की बात करते हैं, यानी कि दो गांठ के बीच की दूरी, तने में जो गांठ पाई जाती है उनके बीच की दूरी जो है वो जिब्रेलिन के स्प्रे होने से बढ़ती है, और ये सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट है जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन का अगर असर क्या होता है, अगर एक असर की बात करें तो वो है इंटरनोड का इलॉन्गेशन। और पार्थेनोकार्पी देखा गया है, जैसा कि ऑक्सीन में देखा गया है कि इससे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट होता है, यानी कि बिना निषेचन के फ्रूट का फल का विकास हो जाता है, तो वो जिब्रेलिन से भी होता है। और ऐसा देखा गया है कि जिसमें ये हो रहा है उसमें जिब्रेलिन की मात्रा जो है नॉर्मली ज़्यादा पाई जाती है, और ग्रोथ ऑफ फ्रूट जो है पार्थेनोकार्पिकली जिब्रेलिन की प्रेजेंस से होता है, जिब्रेलिन को ट्रीट करने से होता है। तो जैसा देखा गया है कि टोमेटो में और ग्रेप्स में, यानी अंगूर में, सीडलेस फ्रूट का बनना जिब्रेलिन स्प्रे करने से हो जाता है, यानी कि उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के जिब्रेलिन स्प्रे करने से उसमें फ्रूट बन जाता है। तो इसका जो है व्यावसायिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक एंजाइम है अल्फा एमाइलेज, ये अल्फा एमाइलेज जो बीजें जो बीज में जर्मिनेशन हो रहा है उस बीज में ये एंजाइम पाया जाता है। तो इस एंजाइम का मेन काम ये है कि बीज में जो पोषक तत्व जो स्टोर होकर रहते हैं, जो कि जब बीज से नए जड़ और तने निकलते हैं तो उनकी वृद्धि के लिए जो ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, वो उनसे मिलती है जब तक कि पौधा अपना खुद का पत्ती नहीं बना लेता और वहाँ से प्रकाश संश्लेषण शुरू नहीं होता, तब तक उसको जो रिजर्व फूड रहता है बीज में उसी से उसको ऊर्जा मिलती रहती है। तो वो रिजर्व फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है, वो स्टार्च को जब तक कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसका ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में वो नहीं जाएगा और ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ये जो स्टार्च से ग्लूकोज में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो अल्फा एमाइलेज से होता है, और इस अल्फा एमाइलेज की बनने की जो प्रक्रिया है वो जिब्रेलिन की मदद से जल्दी होती है। तो जिब्रेलिन उसके ग्रोथ को कंट्रोल करता है, तो इनडायरेक्टली इस तरीके से जिब्रेलिन जो है वो बीज का जो जर्मिनेशन है उसको वो बढ़ाता है। तो ये अल्फा एमाइलेज एलुरोन लेयर, यानी कि जो बाहरी लेयर है बीज का, उसमें पाया जाता है और वहाँ से ये तोड़ स्टार्च को तोड़ता है सिंपल शुगर में। तो अल्फा एमाइलेज का सिंथेसिस से इसका जो बनना है वो जिब्रेलिन जो है वो कंट्रोल करता है।
तो जिब्रेलिन लगभग देखेंगे तो ये पौधे में लगभग हर जगह पाया जाता है, पत्तियों में, जड़ में, तने में, फ्लावर में, पेटल में, बहुत सब जगह पे नॉर्मली जिब्रेलिन पाया जाता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह से जो नए बीज बन रहे हैं उनमें अगर देखेंगे तो उनमें भी ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो इमेच्योर सीड्स हैं, इमेच्योर सीड्स में भी जिब्रेलिन की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। तो जैसा देखते हैं कि जिब्रेलिन 10 से 100 मिलीग्राम तक जिब्रेलिन जो है 1 ग्राम बीज में मिलता है, तो उसमें ये ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और जिब्रेलिन को जैसा देखा है कि नॉर्मली ये 2 तरीके का पौधे में पाया जाता है, एक जो है फ्री फॉर्म में, मतलब उसका जो मॉलिक्यूल है वो फ्री रहता है, और एक जो है किसी के साथ बंधन में बंधा हुआ रहता है। ऑक्सीजन भी इसी तरीके से 2 तरीके से पौधे में पाया जाता है, कुछ फ्री ऑक्सीजन रहते हैं, कुछ जो है वो बंधन के फॉर्म में मिलते हैं। तो तीसरे तरह का जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन या काइनेटिन। इनका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कोशिका विभाजन में या साइटोकाइनेसिस को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इनका नाम साइटोकाइनिन या काइनेटिन रखा गया है। ये 2 वैज्ञानिक थे, स्कोग और मिलर, जिनने इसकी खोज की थी। और इसका जब केमिकल नेचर देखा गया है तो ये एमिनो प्यूरिन होता है। ये प्यूरिन को अगर आप ध्यान देंगे तो प्यूरिन जो है एक नाइट्रोजिनस बेस है जो कि डीएनए या आरएनए में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। तो उसके साथ एक एमिनो ग्रुप है, यानी कि एक NH2 ग्रुप है जुड़ा हुआ है, तो ये एमिनो प्यूरिन है। तो साइटोकाइनिन एक तरह का एमिनो प्यूरिन होता है। तो इसका स्पेसिफिक इफेक्ट कोशिका विभाजन पर है, जिसकी वजह से इसका नाम साइटोकाइनिन पड़ा है। और इसके अलावा ये जो है ना कुछ ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, इसलिए इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में इसको रखा जाता है। और नेचुरली ऑकरिंग जो है नेचर में, अगर हम साइटोकाइनिन को देखें तो इसका एक मेजर सोर्स जो है कोकोनट मिल्क है, नारियल के अंदर जो पानी रहता है वो एक मेजर सोर्स है इसका। और इसके अलावा जीटीन जो है ये मक्का में मिलता है, तो ये मेजर सोर्स साइटोकाइनिन के हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे जगह पर साइटोकाइनिन आपको और मिलता है, तो उसके कुछ यहाँ पे लिस्ट मैंने दिया है, जैसे कोकोनट मिल्क है, टोमेटो जूस है, एप्पल से मिलता है, पियर, प्लम, भिंडी। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो पाइन ट्री में, यूकेलिप्टस से, टोबैको से। इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे मक्का हम देखे थे, बनाना से, केले से। इसके अलावा मटर के पौधे से, उसका जो सीडलिंग है उसमें से मिलता है। इसके अलावा जो है हेलियंथस एनस, यानी कि सनफ्लावर, सूरजमुखी से मिलता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टोबैको के टिश्यू में भी मिलता है। तो बहुत सारे नेचर में सोर्स हैं जहाँ पे, जहाँ से साइटोकाइनिन मिलता है। तो साइटोकाइनिन का जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो देखा जाता है कि रूट टिप जो है, रूट टिप के पास का जो जगह है वो एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर साइटोकाइनिन बनता है। इसी तरह से डेवलपिंग सीड्स में भी साइटोकाइनिन को देखा गया है, सिंथेसिस उसका होता है वहाँ पे, ये देखा गया है। और इसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, यानी कि इनका असर क्या होता है, तो एक मेजर इसका जो असर है वो कोशिका विभाजन है। वो कोशिका विभाजन में ये रोल प्ले करता है, कोशिका विभाजन को ये बढ़ाता है। और इसके अलावा ये कोशिका की वृद्धि, उसके आकार में वृद्धि को भी ये थोड़ा कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन की तरह। लेकिन मेन इसका रोल जो है वो कोशिका विभाजन में है। और इसका एक असर देखा गया है कि ये काउंटर एक्शन करता है एपिकल डोमिनेंस को। एपिकल डोमिनेंस यानी कि जब हम ऑक्सीजन में देखेंगे कि जहाँ पे जो टिप है वो इस पे, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, तो आसपास की जो कलिकाएँ हैं, यहाँ पे कोई कली है उसको वो बढ़ने नहीं देता है, उसको सप्रेस करता है, दबाता है उसके असर को। लेकिन यहाँ पर अगर साइटोकाइनिन को, यहाँ पे साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन किया जाए तो यहाँ पे ये जो है ना इनका भी ग्रोथ हो जाता है। तो एपिकल डोमिनेंस यानी कि उसके प्रभाव को ये साइटोकाइनिन ख़त्म करता है। और इसके अलावा जब हम देखते हैं तो ये बीज का जो सुषुप्तिकरण है उसको भी साइटोकाइनिन तोड़ने में मदद करता है। तो ये इसके मेजर जो है वो फंक्शंस हैं। इसके अलावा एक चीज़ है डिले इन सीनेसेंस, मतलब कि जो पत्तियों का जो गिरना है, झड़ना है, वो ख़त्म होना है, उसमें देखा जाता है कि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल और जो प्रोटीन है ये रैपिडली बहुत जल्दी ख़त्म होने लगते हैं।
तो साइटोकाइनिन चूंकि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो कोशिका विभाजन के वृद्धि होने से प्रोटीन का बनना और क्लोरोफिल बनना ये थोड़ा सा और समय तक बनता रहता है, तो उसकी जो सिनेसेंस है, झड़ना पत्तियों का, लीव का झड़ना, वो थोड़ा दिन तक डिले होता है उसमें। तो ये कई दिन तक ये जो है ना पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि वहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस सब होता है, तो जो प्रोटीन ख़त्म हो रहा है वो वापस इसकी वजह से और बनता रहता है, तो इतना जल्दी उसका डेथ, कोशिका का डेथ या वो नहीं होता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है खास करके फलों का या की चीज़ का सेल्फ लाइफ बढ़ाने में किया जाता है कि इससे कई दिनों तक वो बरकरार रहे। और मॉर्फोजेनेसिस मतलब मॉर्फोलॉजी या आकार में परिवर्तन जिसको बोलते हैं, तो ये देखा गया है कि अगर हाई ऑक्सिन हो और लो काइनेटिन हो, मतलब ऑक्सिन की ज़्यादा मात्रा है और साइटोकाइनिन की कम मात्रा है, तो जो है उससे जड़ की वृद्धि में बढ़ावा मिलता है, और जबकि अगर साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा है और कम मात्रा में ऑक्सिन है तो उस केस में तने क्या के बढ़ावा वृद्धि को मदद मिलती है, मतलब शूट बड्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है, मतलब ऐसी कलिकाओं का फॉर्मेशन होता है जिससे तना की वृद्धि होगी, तना बनेगा। तो अगर काइनेटिन ज़्यादा है और ऑक्सिन कम है तो शूट बड्स ज़्यादा बनते हैं, और अगर ऑक्सिन ज़्यादा है और काइनेटिन कम है तो रूट की वृद्धि ज़्यादा होती है, नए रूट्स ज़्यादा बनते हैं। और इसका एक और काम देखा गया, एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसलोकेशन सॉल्यूट में ये मदद करता है, मतलब जो पदार्थ पादप की कोशिकाओं में इकट्ठे होते हैं, कोशिकाओं में उनका एक जगह इकट्ठा होना और उनका फिर ट्रांसपोर्ट होना जहाँ पे वो जाएंगे, उसमें भी साइटोकाइनिन जो है वो मदद करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस एक और एरिया है जहाँ पर साइटोकाइनिन एक मेजर रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को ये बढ़ाता है। तो इसके कुछ अदर इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें ये देखा गया है कि इससे रेजिस्टेंस आता है कि इसमें हाई टेम्परेचर में, कोल्ड में, डिजीज़ में, इन सब के अगेंस्ट में ये प्रतिरोधक क्षमता जो है पौधों की ये बढ़ाता है। कुछ केस में ये कुछ और एंजाइम को स्टिमुलेट करता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, तो इस तरीके से ये इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ाता है। और इसका कमर्शियल एप्लीकेशन जो है साइटोकाइनिन का, जैसे कि ये कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, और कुछ केस में देखा गया है कि इलोंगेशन को, सिनेसेंस को डिले करता है, यानी कि कीपिंग क्वालिटी फ्रूट की जो है कुछ समय तक उसको हम रख सकते हैं उसको बढ़ाता है, तो इसलिए इसका जो है ना व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट्स जो है, फल जो है, उनको कितने दिन तक हम रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, वो समय को ये बढ़ाता है। और क्विकनिंग ऑफ रूट इंडक्शन एंड एफिशिएंट रूट सिस्टम, जैसा कि देखें कि अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और ऑक्सिन लो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो ऑक्सिन का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और काइनेटिन कम मात्रा में है, तो वहाँ पे तने की वृद्धि को यह बढ़ाता है। तो इस तरह से रूट सिस्टम को बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना, ऑयल कंटेंट बढ़ाना, ये सब में इसके लिए इस साइटोकाइनिन का इस्तेमाल किया जाता है। जो चौथे ग्रुप है वो है इथिलीन। तो ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैस फॉर्म में पाया जाता है। तो इथिलीन जो है वो गैस के फॉर्म में होता है, इसमें थोड़ी गंध होती है, तो पके फल जो है उसमें जो गंध आती है वो इथिलीन की गंध है। और ये क्या करता है कि फलों के पकने की क्रिया को तेज करता है। तो बनाना है, एप्पल है, पियर है, ये सब साइट्रस जो भी फ्रूट्स है, इसमें अगर इथिलीन का अप्लाई करेंगे तो उनमें उनके पकने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है, जल्दी पक जाते हैं। तो जब पकने की प्रक्रिया होती है तो ये सेनेसेंस को, एब्सिशन ऑफ लीव्स माने लीफ का गिरना, उनको डेथ होना, वो सबको ये इथिलीन जो है बढ़ाता है। तो इथिलीन एक तरह से ग्रोथ को जल्दी, उसको फास्ट करके उसका अंत की तरफ ले जाने वाला काम जो है वो इथिलीन करता है। बट इसमें देखा गया कि पाइन एप्पल यानी अनानास में जब इथिलीन को स्प्रे करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग को ये स्टिमुलेट करता है, इथिलीन डालने से उसमें फ्लावर थोड़ा जल्दी आता है। और रूट ग्रोथ को भी ये कम करता है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इस तरह से देखेंगे कि पर एडवेंचियस रूट, मतलब जो साइड साइड में छोटे छोटे जड़ होते हैं, उनकी वृद्धि ज़्यादा होने लगती है, जो मेन जड़ जो है उसकी वृद्धि जो है वो रुकती है, उसकी वृद्धि को ये रोकता है। और फेडिंग ऑफ फ्लावर्स यानी कि
फूलों का थोड़ा सूख जाना और झड़ना, उसकी प्रक्रिया को भी ये बढ़ा देता है। पर इसका मेन आप जो रोल है वो ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये पकने में मदद करता है, इसलिए इथिलीन का इस्तेमाल जो है फल को पकाने में किया जाता है। जो एक और ग्रुप है एबीसीसिक एसिड, जिसको हम एबीए भी बोलते हैं, इसको हम एबीए भी बोलते हैं, तो ये एक तरह का और ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स है। तो ये ग्रोथ के एंटागोनिस्ट हैं, मतलब ये ग्रोथ को रोकते हैं। ग्रोथ जहाँ एबीसीसिक एसिड ज़्यादा होगा वहाँ वृद्धि जो है घट जाएगी। तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पौधे को देता है। जैसे बहुत सूखा अगर हो गया जहाँ पे, तो जैसे सूखे का मौसम आ गया तो वहाँ पर क्या हो गया, पानी बहुत कम हो गया है, तो वहाँ पर क्या है, पौधे अपने आप को वृद्धि को रोक देता है कुछ समय के लिए। तो वहाँ पर देखा गया है कि एबीसीसिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है, वो बनता है जड़ों में, बनता है और ऊपर पत्तियों तक पहुँचता है और उनका ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक सा जाता है। जब तक कि फिर से फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाए तब तक उनकी वृद्धि जो है रुक जाती है। तो ये ग्रोथ को रोकता है, तो एक तरह से पौधे का ये डिफेंस मैकेनिज्म के जैसा ये काम करता है। तो डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स को भी ये बढ़ाता है, यानी कि जो कलिकाएं हैं उनमें सुषुप्त अवस्था लाने में ये मदद करता है। अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो कलिकाएं जो है वो सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं, तो इसलिए इसको डोरमीन भी बोला जाता है, क्योंकि इनमें डोरमेंसी ये लाता है, तो कलिकाओं में डोरमेंसी लाता है, तो इसलिए इसको डोरमीन शब्द का भी इस्तेमाल इसके लिए किया गया है। जियोट्रोपिज्म इन रूट्स, जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी के तरफ जाना, जिधर जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल, हर चीज़ गुरुत्वाकर्षण लगता है हर चीज़ के ऊपर, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण जिधर है उस दिशा में बढ़ते हैं और तना जो है उसकी विपरीत दिशा में बढ़ता है। तो जड़ में जो जियोट्रोपिज्म है वो एबीसीसिक एसिड के कारण होता है। और स्टोमाटल क्लोजिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एबीसीसिक एसिड के वजह से होता है। ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर वाटर स्ट्रेस है, पानी जहाँ पे कम हो गया है, वहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे जो है ना एबीसीसिक एसिड क्या होता है वो क्लोरोप्लास्ट से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है और मेसोफिल सेल में आ जाता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ से वो गार्ड सेल में चला जाता है। गार्ड सेल यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे स्टोमेटा का, तो स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा एक्चुअली कुछ नहीं है, जो ओपनिंग है, जो ये खुला जगह है, इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो यहाँ की कोशिकाओं में जब एबीसीसिक एसिड आ जाता है तो इसका जो है ये फैल के और ऐसा सिकुड़ फल के यहाँ पर बिल्कुल सड़ जाती है ये दीवारें जो है, और स्टोमेटा का जो ओपनिंग है वो एकदम बंद जैसा हो जाता है। तो ये एक तरीके से स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। तो उससे क्या होगा, जो पौधे में पानी है, स्टोमेटा जो है उससे हम अगर पिछला लेक्चर हम याद करेंगे तो मेजर जो वाटर लॉस पौधों का जो है वो स्टोमेटा के थ्रू से होता है, बाई ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वहाँ से जो है ज़्यादा पानी निकलता है। तो स्टोमेटा जब बंद हो जाता है तो वहाँ से पानी का निकलना जो है वो बंद हो जाता है। तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म के जैसा काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में एबीसीसिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है और वहाँ स्टोमेटा को वो बंद कर देता है। तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का कैसा होता है। एक तो है रूटिंग एंड प्लांट प्रोपगेशन में, मतलब अगर मैं कटिंग लगा रहा हूँ कमर्शियली, व्यावसायिक तौर पर कोई नर्सरी चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कटिंग करके पौधों की संख्या बढ़ाना है जहाँ पे जड़ जल्दी निकले, तो उस केस में ऑक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो रूटिंग एंड प्लांट प्रोपगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है ये देखिए, जैसे ऑक्सिन और ऑक्सिन के जैसे कंपाउंड जो कि सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड है, नेप्थलिंग एसिटिक एसिड है, 2,4-D 2,4-5-T, ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स है, इनका इस्तेमाल रूटिंग को बढ़ाने के लिए और प्रोपोगेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस तरह से IBA जो है जो कि फाइब्रस रूट ज़्यादा बढ़ाता है, तो उस कटिंग के में अगर वो उसको लगा के लगाएं तो वहाँ पर जड़ जो है वो जल्दी निकलेगा। जर्मिनेशन एंड डोरमेंसी, मतलब जर्मिनेशन जल्दी हो, डोरमेंसी सुषुप्त अवस्था ख़त्म हो, उसके लिए हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे जिब्रेलिन जो है वो जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, जैसा कि हमने देखा सीड का जर्मिनेशन को बढ़ाता है। इस तरह से एबीसीसिक एसिड जर्मिनेशन को कम करता है, जर्मिनेशन को, ये ग्रोथ का इनहिबिटर है। तो जहाँ हमको रोकना है, डोरमेंसी लाना है, तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे बढ़ाना है वहाँ जिब्रेलिन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से
एबीसीसिक एसिड जो है डोरमेंसी को वो इंड्यूस करता है, और ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑक्सिन जिब्रेलिन का हम इस्तेमाल करते हैं। सुषुप्त अवस्था है जैसा कि हमने देखा है, साइटोकाइनिन का भी इस्तेमाल होता है डोरमेंसी को तोड़ने के लिए। और फ्रूट सेट एंड डेवलपमेंट, फ्रूट का बनना, फ्रूट का साइज़ बढ़ना, उसका विकास होना, उसमें हम हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जैसे देखेंगे कि 2,4,5-T जो कि एक आर्टिफिशियल हार्मोन है, मतलब रेगुलेटर है, इसको ग्रोथ रेगुलेटर बोलना ज़्यादा सही है क्योंकि आर्टिफिशियली बनाया गया है। ये एक तरह का ऑक्सिन है, तो इसका इस्तेमाल फ्रूट सेटिंग में किया जाता है। इसी तरह से फ्रूट का साइज़ बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जिब्रेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए साइटोकाइन, यानी कि लंबे समय तक वो रह सके, उसका इस्तेमाल हम कर सकें तोड़ने के बाद, तो साइटोकाइनिन का इस्तेमाल फलों के लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और गुड फ्रूट शेप, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन मिला करने से देखते हैं कि अच्छे आकार के फल तैयार होते हैं। तो ये कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए किया जाता है। इसके अलावा सेक्स एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फसलें ऐसी होती है जैसे एक पपीता है, क्यूकम्बर है, खीरा है, जहाँ पर वो मेल फ्लावर प्लांट बनेगा, फीमेल फ्लावर यानी कि मेल फ्लावर्स उसमें लगेंगे, फीमेल फ्लावर्स उसमें लगेंगे, वो जब हम जिब्रेलिन को स्प्रे करते हैं तो उसमें वो चेंज होता है। तो अगर इसे पेड़ उगा और उसमें सारे मेल फ्लावर आ रहे हैं तो उसमें फ्रूट बनेगा ही नहीं, तो उसके लिए फीमेल फ्लावर्स का बनना ज़रूरी है। तो वो जिब्रेलिन का स्प्रे करने से उसमें फीमेल फ्लावर इंड्यूस होता है। तो सेक्स का एक्सप्रेशन में वो काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर ऑक्सिन से और जिब्रेलिन से दोनों से बढ़ता है। तो ऑक्सिन से क्यूकम्बर बढ़ता है, जिब्रेलिन से मेज में बढ़ता है, तो फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है। इस तरह से एबीसीसिन जो है, ये कंट्रोल ऑफ एबीसीसिन मतलब जो पौधे का पत्तियों का झड़ना और मुरझाना और डेथ होना, उसको NAA और IAA से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी फ्रूट ड्रॉप होता है, एबीसीसी एक लेयर बन जाता है जो फ्रूट, कभी कभी फ्रूट ऐसा लग रहा है पर ज़्यादा बड़ा होने से पहले वो गिर जाता है, क्योंकि उसमें जो है ना, जहाँ पे फ्रूट जिस डंट मतलब ये अगर ब्रांच है और यहाँ से ऐसा फ्रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है कि लेयर बन जाता है, एबीसीसिन लेयर बन जाता है और इसका संपर्क कट जाता है और ये टूट के गिर जाता है। तो इसको स्प्रे करने से ये एबीसीसिन लेयर का बनना बंद हो जाता है और फ्रूट का ड्रॉप वो कम करता है। खास करके साइट्रस या नींबू के फैमिली में जो है ये इस तरह का फ्रूट ड्रॉप, साइट्रस फ्रूट ड्रॉप देखने को मिलता है, जिसको कि इससे ट्रीट करने से वो थोड़ा रुकता है। और एबीसीसिन को हमको बढ़ावा देना है तो जैसा हम देखें इथिलीन जो कि पकने और डेथ को प्रमोट करता है, तो इथिल या इथिलीन का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो बढ़ता है। तो जल्दी पकाना है तो वीड कंट्रोल में, जैसा आपको मैंने शुरू में बताया था कि 2,4-D है, 2,4,5-T एक आर्टिफिशियली सिंथेटिक कृत्रिम तौर से बनाया गया ऑक्सिन है जिसका कि इस्तेमाल वीड कंट्रोल में किया जाता है। इथिलीन जो एकमात्र हार्मोन है इथिरेल, जिसका कि फ्रूट राइपनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फल को पकने में मदद करता है। तो ये आप देखेंगे कि एक कंबाइंड एक फोटोग्राफ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पौधे का जो एपिक है, मतलब जो ग्रोइंग पॉइंट है, ये पौधे का जो है ये वाला पॉइंट जो हिस्सा है, यहाँ पे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन ये सब एक्ट करते हैं, तो इसकी ग्रोथ जो है जल्दी होती है। ऑक्सिन सेल का इलोंगेशन में और जिब्रेलिन भी इंटरनोड बढ़ाने में, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में इस तरीके से काम करता है, तो इसकी वृद्धि जल्दी होती है। जब ये पौधा तैयार हो गया तो साइटोकाइनिन से और जिब्रेलिन से, ऑक्सिन से इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, इथिलीन से सेनेसेंस होता है, और जब ये फ्लावर बनने में जिब्रेलिन मदद करता है फीमेल फ्लावर डेवलपमेंट में, और इसी तरीके से जब सीड का पे जब हम डालेंगे तो जिब्रेलिन डालने से इसका ग्रोथ बढ़ेगा और एबीसीसिक एसिड इसके ग्रोथ को रोकता है। तो इस तरीके से सारे हार्मोन्स का पौधे की अलग अलग अवस्था में या उसमें उसके कंप्लीट डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हर हार्मोन का अपना अलग अलग रोल है। तो जैसा जिसका ज़रूरत है उस हिसाब से उसका कमर्शियली व्यावसायिक तौर पे उसका इस्तेमाल
किया जाता है। तो इसमें जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है, ये मेनली वो तीन हार्मोन है जो कि वृद्धि के लिए या इलोंगेशन या ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो आपका एबिसिसिक एसिड है और इथिलीन है, ये मान ली आपको ग्रोथ को रोकते हैं या उसकी लाइफ को जल्दी ख़त्म करते हैं। इथिलीन जैसे जल्दी पका देता है और एबिसिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को रोकता है। तो ये दोनों रोकने वाले हैं और ये तीन जो है मेनली ग्रोथ को बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं।